स्पीड न्यूज के पेश करता है टेक्नोविजन योर पार्टनर इन मोबाइल। अस्सलामुअलैकुम, आदाब, मैं हूं खलील फरहाद। 19 अगस्त की 25 अहम खबरें सिर्फ 5 मिनटों में जानने के लिए देखते हैं बीपीएन स्पीड न्यूज। प्रो पब्लिका वेबसाइट का सनसनीखेज खुलासा, कहा अमेरिका की चैपल हिल्स हाई सिक्योरिटी बायोलैब 3 में 2016 में बना था कोरोना वायरस, चूहे को किया था इन्फेक्टेड, वाकई की जानकारी अमेरिका ने नहीं लाई थी सामने। नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने भूखमरी को लेकर दिया नया फरमान, देश भर में कुत्तों के पालने पर लगाई पाबंदी, घरों से पकड़कर जू में कैद किए जा रहे हैं डॉग्स। अफ्रीकी मुल्क माली में फौज ने कर दी बगावत, सदर और वजीर आजम को बनाया यरगमाल, सदर ने टेलीविजन पर आकर इस्तीफे का कर दिया ऐलान, सड़कों पर उतरे लोग, कई सरकारी इमारतों को बनाया निशाना। सऊदी अरब का आलमी बिरादरी से ईरान पर लगाई गई हथियारों की पाबंदी की मुद्दत बढ़ाने का मुतालबा, कहा ईरान से पाबंदी हटा देने से तबाही और बर्बादी आएगी सामने। सऊदी अरब को मनाने की पाकिस्तान की कोशिशों को लगा बड़ा झटका, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ से मिलने से साफ तौर पर कर दिया इनकार, नाकाम खाली हाथ पाकिस्तान लौटे बाजवा। ट्रंप ने उर्दगान, पुतिन, जिनपिंग और किम जोंग उन को बताया शतरंज के खिलाड़ी, कहा जो बाइडन बतौर अमेरिकी सदर इन खिलाड़ियों का नहीं कर सकते मुकाबला। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी ओरेकल की तारीफ करते हुए कहा टिकटॉक खरीद सकती है ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट और रिलायंस भी हैं रेस में। इसराइल की गजा के खिलाफ कार्रवाइयां जारी, गजा पर देर रात किए गए फिजाई हमले, हमास के कई ठिकानों को बनाया गया निशाना, गजा से रॉकेट हमले को बताया गया बचा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सरकारी मुलाजमीन पर किए जाने वाले 2 बम हमलों में 2 अफराद हलाक और 2 दीगर जख्मी हुए, मेरुकिन में पुलिस अफसर भी हैं शामिल। लेबनान के फॉर्मर पीएम रफीक हरेरी के कत्ल केस में हिजबुल्ला से ताल्लुक रखने वाले मुलजिम सलीम जमील अय्याश को कत्ल की प्लानिंग करने का ठहराया गया जिम्मेदार, हिजबुल्ला पर कार्रवाई की उठने लगी है मांग। अब मोदी सरकार की मुल्क के एयरपोर्ट्स बेचने की तैयारी, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को 50 साल के लिए लीज पर देगी मोदी सरकार। असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी की योगी सरकार में हुए इनकाउंटर्स पर उठाए सवाल, कहा योगी सरकार ने रियासत में बदल दिए इनकाउंटर्स के कानून। फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी की तबीयत हुई मजीद खराब, वेंटिलेटर सपोर्ट पर किया जा रहा है इलाज, आर्मी हॉस्पिटल ने दी जानकारी, प्रणब मुखर्जी की हुई थी ब्रेन सर्जरी। सुशांत सिंह केस की सीबीआई जांच को सुप्रीम कोर्ट ने दे दी हरी झंडी, महाराष्ट्र हुकूमत और मुंबई पुलिस को लगा बड़ा झटका, रिया चक्रवर्ती की हो सकती है गिरफ्तारी। सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बोले बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, रिया चक्रवर्ती की इतनी औकात नहीं कि वो सीएम पर करें कमेंट। कर्नाटक के फॉर्मर कांग्रेसी सीएम सिद्धारमैया का बड़ा इल्जाम, बीजेपी में बन गए हैं 2 ग्रुप, आरएसएस का करीबी एक ग्रुप येडियुरप्पा को हटाने की कर रहा है साजिश। राहुल गांधी ने कहा मोदी सरकार की गलत पॉलिसियों की वजह से गुज़िश्ता 4 महीनों में 2 करोड़ से ज्यादा अफराद की गई है जॉब, तंजिया कहा फेसबुक पर झूठी खबरें और नफरत फैलाने से बेरोजगारी और मईशत की तबाही को नहीं छुपाया जा सकता। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग की वजह से किसानों की परेशानी का उठाया मुद्दा, योगी सरकार से फौरी मदाखलत करते हुए मसले को हल करने की मांग की। रेप का भगोड़ा मुलजिम बाबा नित्यानंद ने अब अपने अलग देश कैलासा में खुद का रिजर्व बैंक शुरू करने का किया ऐलान, नामालूम देश से एग्रीमेंट होने की भी कही बात। तेलंगाना में नए 6 एयरपोर्ट्स के क्याम पर हुई पेशरफ्त, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तेलंगाना के डिपार्टमेंट्स ऑफ बिल्डिंग एंड रोड से तफसीलात तलब की। वक्फ जमीनों पर कब्जे से मुतालिक अर्जी पर तेलंगाना हाई कोर्ट में समाअत, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम की कोताही पर बेंच ने जाहिर किया एतराज, अगली समाअत में पेश होने की दी हिदायत। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 1763 केसेज, 8 की मौत, जीएचएमसी लिमिट्स में 484 जबकि सबसे ज्यादा 169 केसेज मेडचल मलकाजगिरी में किए गए दर्ज। 3 लाख से ज्यादा कोरोना केसेज वाली तीसरी रियासत बनी आंध्र प्रदेश, पिछले 24 घंटों में आए 9652 नए केसेज, महाराष्ट्र पहली तो तमिलनाडु है दूसरी सबसे ज्यादा मुतासरित
रियासत। विराट कोहली ने आईसीसी की ताजा रैंकिंग में बैट्समैन की लिस्ट में अपना दूसरा पोजीशन बरकरार रखा, जबकि बॉलर्स की लिस्ट में जसप्रीत बुमराह को मिला 9th पोजीशन। फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर ने कहा, धोनी को रिटायरमेंट वापस लेने के लिए मना सकते हैं पीएम मोदी, फ्यूचर में नरेंद्र मोदी की दरख्वास्त को नहीं टाल पाएंगे धोनी। ये थी आज दिन भर की M25 खबरें। मजीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PBN चैनल।